दोस्तों, किसी प्रतिभा को बस रास्ता दिखाने की देरी होती है, बाकी मंजिल तो वो अपने आप ढूंढ ही लेता है। जी हाँ, नेपाल की छोटी फिल्म इंडस्ट्री से होने के बावजूद भी कई नेपाली स्टार्स ने अपने टैलेंट के दम पर इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी खासी पहचान बनाई है, जो आज बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा कहलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं नेपाल स्टार्स में से 10 ऐसे सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने नेपाली सिनेमा से इंडस्ट्री में कदम रखा और आज वो बॉलीवुड का एक पॉपुलर चेहरा माने जाते हैं। नंबर 1, माला सिन्हा। नेपाली क्रिश्चियन परिवार में जन्मी माला सिन्हा को तो हर कोई जानता है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अदाकारा माला सिन्हा ने अपना एक्टिंग करियर बंगाली फिल्मों से स्टार्ट किया, जिसके बाद उन्होंने नेपाली फिल्मों में भी काम किया। धीरे धीरे वो हिंदी सिनेमा की ओर बढ़ी और बुलंदियां छूने लगी। माला सिन्हा ने अपने बॉलीवुड करियर में तमाम यादगार फिल्में दी, जिनमें जिद, राधा का संगम, वक्त का सिकंदर, कर्मयोगी और संजोग जैसी कई हिंदी फिल्में शामिल है। नंबर 2, झरना ब्रजाचार्य। काठमांडू की रहने वाली एक्ट्रेस झरना ब्रजाचार्य भी नेपाल की कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत चुकी हैं। उन्होंने 1997 में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में नेपाल का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके बाद इन्होंने साल 2004 में आई फिल्म लव इन नेपाल में हिंदी सिनेमा में कदम रखा जिसमें इनकी जोड़ी को सोनू निगम के साथ बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। नंबर 3, उदित नारायण झा। साल 1970 में रेडियो नेपाल में मैथिली लोक गायक के तौर पर करियर शुरू करने वाले उदित नारायण आज बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल सिंगर्स में से एक है। नेपाली म्यूजिक में 8 साल बिताने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में किस्मत आजमाई। यहां 1980 में उन्होंने अपने करियर की नई शुरुआत की। आज उदित नारायण को इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता है। नंबर 4, उषा पौडेल। नेपाल के जनकपुर में जन्मी उषा पौडेल ने भी अपने करियर की शुरुआत नेपाली सिनेमा में काम करके की, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, पर इन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिला। संघर्ष की घड़ी में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था, जिसके बाद वो घड़ी आई जब इनका सितारा ऊंचाइयों पर पहुंचा। इन्होंने बॉलीवुड की कई यादगार फिल्में दी हैं। इसके अलावा ये सीरियल में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें तुझ संग प्रीत लगाई सजना, जय जय बजरंग बली, अदालत जैसे कई शो शामिल हैं। नंबर 5, भोला राज सपकोटा। दोस्तों, बर्फी फिल्म में आपको रणबीर कपूर का वो दोस्त याद है जो रणबीर के लिए आवाज का काम करता था, वो कोई और नहीं बल्कि नेपाली एक्टर भोला राज सपकोटा है। ये फिल्म 2012 में आई थी, जिसमें रणबीर के अलावा एलियाना डिक्रूज और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थे, जिनमें इन सभी के बीच एक सपोर्टिंग रोल में भोला के अभिनय को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। नंबर 6, सुनील थापा। नेपाली सिनेमा के मशहूर विलेन सुनील थापा हिंदी फिल्मों में पॉपुलर चेहरा रह चुके हैं। राते कायली नाम से नेपाल में फेमस सुनील थापा ने मुंबई में मॉडलिंग के बाद एक्टिंग की ओर रुख किया। उन्होंने 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए से एक्टिंग डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में काम किया, लेकिन 2014 में आई प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरीकॉम ने उन्हें अलग ही दर्जे की पहचान दिलाई, जिसमें इन्होंने प्रियंका के ट्रेनर का किरदार निभाया था। नंबर 7, तेरिया मगर। क्या आपको तेरिया मगर याद है? ये वही छोटी बच्ची है जिसने 2014 में डांसिंग कॉम्पिटिशन लिटिल मास्टर्स का खिताब जीता था। वो मूल रूप से नेपाल के रुद्रपुर रूपंदेही जिले की रहने वाली है। आपको बता दें कि इसके अलावा तेरिया झलक दिखला जा सीजन 9 की भी विजेता रह चुकी हैं। नंबर 8, पूर्णिमा श्रेष्ठा। बॉलीवुड की जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं पूर्णिमा श्रेष्ठा, जिन्हें सुषमा श्रेष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी 1971 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज से, जिसमें उन्होंने न बोलो बोलो गाने में आवाज दी। इसके बाद तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, क्या हुआ तेरा वादा में काम किया। इन सभी फिल्मों में अपनी गायकी के अलावा ये माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माए मशहूर गाने चने के खेत में भी अपनी गायकी का जलवा बिखेरा है। नंबर 9, आदित्य नारायण। सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण झा वैसे तो भारत में ही जन्मे और पले बड़े हैं, पर मूल रूप से नेपाली परिवार में जन्मे आदित्य ने भी बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा के दम पर बड़ा मुकाम हासिल किया है। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने सिंगिंग भी शुरू की। आज वो भी सफलतम सिंगर्स की श्रेणी में आते हैं। नंबर 10, मनीषा कोइराला। बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने खुद को पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया है। वो मूल रूप से नेपाल के प्रतिष्ठित घराने से ताल्लुक रखती है। मनीषा ने भारत में अपना आधा बचपन बिताया, जहाँ इन्होंने पहले मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने अपना बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाया और हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी,
जिनमें दिल से सौदागर जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको इन नेपाली कलाकारों के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।